चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता, ये एक बड़ा घोटाला है। आपको किस बिजनेस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया, क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ही आता नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा न्याय किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आरटीआई के दायरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ गया, ऐसे वक्त में इस फैसले ने साबित कर दिया कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इनको पैसा दिया है तो निश्चित रूप से इसमें इनका स्वार्थ नजर आता है। यदि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, यदि इसको ईमानदारी से लागू करना तो केंद्र सरकार का काम है, लागू होता है तो बैग की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, आज तक किसी ने चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए, ये सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और ये एक बड़ा घोटाला साबित हुआ है पूरे देश में। अब किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सच बोले उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है, कोई खुलकर अपनी बात कह दे तो असली रामराज्य यही है कि आपकी ईमानदारी सामने आनी चाहिए। यदि रामराज्य की बात करते हो, राम की बात करते हो तो बताइए कहां कहां से कितना कितना पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ईमानदारी से लागू कीजिए। ये देश चाहता है, जिस दिन ये बॉन्ड का ये जो फैसला आया, इस बॉन्ड के फैसले ने साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सब जगह क्लियर है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला पहले चीफ जस्टिस एक कमेटी के मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अपोजिशन लीडर थे, अब चीफ जस्टिस नहीं होंगे उस कमेटी के मेंबर और एक बिल लाकर लोकसभा में इस मामले को खत्म किया गया। तो मैं आज फिर कह रहा हूं, सब लोगों को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए और ये जो चुनावी बॉन्ड का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये देश को एक ताकत देगा, जनता को ताकत देगा, डेमोक्रेसी को ताकत देगा और इसमें ये बड़ा घोटाला साबित होगा।